शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। दादी माँ, कैसा रहा सफर? रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? जी नहीं दादी माँ। चलो अंदर। देखो प्रिया, एक बात का ध्यान रहे, इस घर की तुम अकेली वारिस हो। जब यहां से गई थी 7 साल की थी, अब तुम बच्ची नहीं रही। आंखों के सामने रहोगी तो दिल को सुकून मिलेगा। तुम्हारे मम्मी डैडी होते तो मुझे कोई चिंता ना होती। अब तुम इसी शहर में पढ़ोगी। ठीक है दादी माँ, जैसे आपकी मर्जी। एक्सक्यूज मी, प्रिंसिपल साहिबा का ऑफिस कहाँ है? जी उधर है। ओह थैंक यू। गुड मॉर्निंग रजनी जी। गुड मॉर्निंग प्रतिमा जी, आप और यहाँ, कितने सौभाग्य की बात है। आइए। थैंक यू। आइए बैठिए। मैं प्रिया की एडमिशन के लिए आई हूँ। इतनी सी बात के लिए आपने क्यों तकलीफ की? एक फोन ही कर दिया होता। नहीं रजनी जी, हर काम का एक प्रोसीजर होता है। इस काम के लिए तो मुझे ही आना चाहिए था। वाह प्रतिमा जी, आप वाकई एक आदर्श नारी हैं। आप इस फॉर्म पर साइन कर दीजिएगा, बाकी फॉर्मेलिटीज मैं पूरी कर दूंगी। बॉबी,
साइलेंस प्लीज, साइलेंस। आप लोगों में और कोई है जो बॉबी से मुकाबला करना चाहता हो? Begin. बन गए एक नई दास्तां।
गई एक नई दास्तां। ये कोई तरीका उठाने का? भैया, रोज मैं जगाती हूँ तो तुम खुश होते हो और आज नाराज हो, क्या बात है भैया? नहीं पगली, मैं तो यूं ही कह गया, लेकिन तुझे अभी आना था, थोड़ी देर के बाद नहीं आ सकती थी? क्यों भैया, अब क्या बिगड़ गया? वो तू नहीं समझेगी। अच्छा तू चल, मैं आता हूँ। ठीक है भैया, लेकिन जल्दी आ जाना। ये लो, आ गया ना मैं जल्दी। ये ये लीजिए, हमने आपका भी आमलेट बना दिया है। क्या बात है, और आपका भी आमलेट बना दिया है। ये लो भैया, आप हर रोज पहला निवाला मुझे क्यों खिलाते हो? माय लिटिल डार्लिंग सिस्टर, जब तक तुम्हें नहीं खिलाओ तो भला मैं खा सकता हूँ? गंगा मैया में जब तक ये पानी रहे, ये बहना भैया की जोड़ी सलामत रहे। मालकिन के स्वर्गवास के बाद बिटिया रानी को माँ बाप और भाई का प्यार तुम्हीं ने दिया है विक्की बाबा। साहब तो दूसरी शादी करके अमेरिका में जाके बस गए। पहले पहले तो कभी कभार उनकी फोन चिट्ठी आया करती थी, लेकिन अब तो वो भी आनी बंद हो गई है। साजन, शायद आजकल डैडी को फुर्सत ही ना मिलती हो। अब ऐसा भी क्या काम विक्की बाबा जो अपनी औलाद से बढ़कर हो। डैडी हमें भूले नहीं है साजन, वो तो हर महीने हमें 20,000 रुपए भेजते ही हैं। लेकिन आदमी के लिए पैसा ऐसा कुछ नहीं होता बिटिया रानी। हाँ साजन, दुनिया में पैसा ही सब कुछ नहीं होता। तू क्यों जी छोटा करिए पगली, अरे मैं जो हूँ तेरे लिए। हाँ भैया, मेरे सब कुछ तो आप ही हो, आप ही के दम से तो मेरे होठों पर मुस्कान है। भगवान करे तू सदा हंसती रहे और तेरे खुशी के सूरज को कभी ग्रहण ना लगे। नमस्ते माँ जी। जानता है बीड़ू, ये ठेला अपुन अनाथ को किसने दिया है? अयो किसने जी? प्रिंसिपल माँ जी ने। वो चाहती है वो अपुन को। अयो, जैसे आप मुझको चाहती। अरे तेरी तो। हाय बॉब। बॉबे। क्या बॉब, कल बॉक्सिंग कंपटीशन का ट्रॉफी अपन तेरे हाथ में देखने को मांगता था यार। एक दिन उस साले विकी को ऐसे हराऊंगा
कि जमीन चाटते रह जाएगा साला हरामजादा। वो दिन जरूर आएगा। अरे उस दिन अपुलक धमाल पार्टी करेगा। पार्टी क्या यार, जो चाहिए मांगो मिल जाएगा। ये भी ना बात, दिल वाले तो बहुत से देखे मगर तुझ जैसा दिल वाला नहीं देखा। ए शक्ति, हम यारों के यार हैं, दोस्तों के दोस्त हैं। क्या बात है। चल फिर चलता हूँ। सी यू इन द इवनिंग। डन, चल मिलते हैं शाम को। ओके। अरे देखो विक्की आ गया। हाय, बधाई हो विक्की। थैंक्स यार। बॉक्सिंग ट्रॉफी मुबारक हो विक्की, मुबारक हो। थैंक्स, बधाई हो। हाय विक्की। थैंक्स। अरे राजू कहाँ है? आता ही होगा। चल अंदर चलते हैं। अबे ये साल का नया बैच तो कमाल का है। वो कहते ना बिडू, जब पतझड़ में पत्ते झड़ जाते हैं तो नए फूल खिल उठते हैं। अरे वाह बेटा, बड़ी दूर की बात करने लगा है। हाँ। अरे वे क्यों, देख नया बुलबुल लगता है। अबे वो देखो बुलबुल लगता है। मेरे ख्याल से वो तो अच्छा खासा हाथी लगता है। चलो उसकी खिंचाई शुरू करते हैं। चल। अबे ओ क्यों, कॉलेज में नया आए हो क्या? जी भैया, आज ही एडमिशन लिए है। तभी तो मैं सोच रहा हूँ कि ये तरबूज जैसा मुखड़ा मैंने पहले तो कभी नहीं देखा। जी कहाँ से आए हो? जी झुमरी तलैया से। वाह, तभी तो झुमरू की तरह लग रहे हो। अच्छा तो झुमरू जी, कौन सी क्लास चाहिए आपको? जी बीए सेकंड ईयर। वो तो उधर है। क्यों सता दो बेचारे को, देखो ना कितना मासूम चेहरा है इसका, है ना। देखिए आप एक काम कीजिए, यहाँ से सीधा जाइए और वो जो आखिरी दरवाजा है ना, बिना सोचे समझे उसमें घुस जाइए, वही तो आपकी क्लास है। सर दैट लास्ट वन। हाँ लास्ट वन। हाँ थैंक यू भैया। हाँ अरे अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मजे कीजिए। थैंक यू भैया। हाँ गुड मॉर्निंग सर। ये क्या क्लासरूम है? क्या पता ये कौन सी पढ़ाई पढ़ने आया बेचारा। सॉरी मिस, आई एम वेरी वेरी सॉरी। आप जाते भी हो या ताजपोशी का प्रबंध करे? अरे अरे जाने भी दे कोमल, देख नहीं रही कितना चिकना और कितना क्यूट है। मेरी माँ। माँ कहाँ फंस गया मैं, कहीं लोग मिलकर मेरी इज्जत तो नहीं लूट लेंगे। यू ऐसे क्यों डरते हो जानी, तुम कोई आइसक्रीम तो नहीं हो कि छूते ही पिघल जाओगे। देखो मैं चिल्लाऊंगा, मैं चीखूंगा, आई विल शाउट। हाँ हाँ चिल्लाओ, एक तो चोरी और ऊपर से सीना चोरी। देखो प्लीज प्लीज हमको माफ कर दो, हम बिल्कुल कवारा हूँ। चलेगा, हम भी तो कुंवारे हैं। ओफो किरण, अब जाने दे इसे, वैसे भी शक्ल से बेचारा बेवकूफ लगता है। तू जो बैठ। तो हाँ कौन सी पढ़ाई पढ़ोगे तुम? महाभारत है। मेरा मतलब बीए सेकंड ईयर। हे बजरंग बली, पार करो दुश्मन की गली, चल बेटा निकल ले। हाय एवरीबॉडी। क्या बात है भाई, सब लोग इतना हंस रहे हो, क्या हुआ? अरे नहीं यार, आज एक नए बुलबुल की ऐसी रैगिंग की तू सुनेगा तो उछल पड़ेगा। उछल पड़ूंगा, ये ले मैं उछल गया। अब सुना, वो पूछा था कि क्लासरूम कहाँ है और उसको हमने लेडीज टॉयलेट में भेज दिया क्लास के बजाय। अरे यार ऐसी रैगिंग तुम लोग मेरी क्यों नहीं करते हो? मेरी भी बड़ी अरमान है कि मैं लेडीज टॉयलेट में कभी तो घुसूं। बस बस तेरा भी नंबर लगने वाला है। अरे राजू ये वही है ना कल वाली? बिल्कुल ये वही है जिसने कल प्यार से तेरे गाल पर अपना ऑटोग्राफ दिया था। वाह क्या कयामत है। इतना जल्दी उसको घास मत डाल वरना भाव खाने लगेगी। अभी तू क्या बोल रहा है? अम्मा बंदर की तरह मत उछल, मिल जाएगी मिल जाएगी, सबर कर गुरु सबर कर। शहजादे सलीम को अपना रोको वरना बगावत हो जाएगी। नहीं शहजादे सलीम नहीं, तुझे तेरे इन चमचों की कसम। अभी नहीं अभी नहीं। ऐसी बात है, चलो तुम लोगों के लिए छोड़ देता हूँ। हाय विकी। कौन है आप? अजी हम तो वही हैं, कल ट्रॉफी जीतने पर आपको ऑटोग्राफ दिया था। नहीं मेरा मतलब है कि आपने ऑटोग्राफ दिया था या लिया था? वो भी भूल गए, चलो कोई बात नहीं, शायद हम ही गलत ट्रैक पर आ गए।
हाय बॉबी। हेलो बॉबी। हाय गॉर्जियस, हाउ आर यू? आई एम प्रिया। प्रिया, कितना प्यारा नाम। अबे मरवा दिया ना, मुझे लगता है वो नाराज हो गई, कहीं ये वो उस घनचक्कर बॉबी की ना हो जाए। फिकर नॉट, वो लड़की सिर्फ तुझे ही मिलेगी। ये बॉबी, टॉबी, लॉबी, ये सब तुझे जलाने के लिए है। प्रिया, क्यों ना हम दोनों कहीं कॉफी पीकर बातें करें। फिर कभी। ओके, बाय। बाय गॉर्जियस। हाय हैंडसम। तेरे को बुला रही है। मेरे को बुला रही है? इस बंदर को नहीं, तुम्हें। नहीं नहीं, मुझे। हाँ हाँ, तुम्हें। मुझसे क्या काम है? अरे बहुत कुछ काम है, रुको तो सही। ये लो। ये क्या? हमारा दिल है, जरा ध्यान से रखना। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा दिल, तुम खुद ही संभालो। यू भावना खाओ जाने मन। तेरी मेरी जोड़ी
रोज सितारा मिल जाने मन। ओहो, ओहो। सोचा तो वो कैसा आलम होगा, होगा। आ, तेरा मेरा जब भी संगम होगा। बोलोगी के जाओ जाने मन। ये बाय सी यू। हाय बेब, सुना आजकल तुम हाथों में दिल लेकर विकी के पीछे घूमती हो। वो दिल हमें दे तो जाने मन। बॉबी, अपनी हद में रहकर बात करो। तुम्हें अंदाजा नहीं कि बॉबी की हद कहां तक है। अरे हाँ, तुमने एक बार मुझे कॉफी का वायदा किया था, याद है? वो तो मैंने विकी को जलाने के लिए किया था, भूल जाओ उस बात को। यही तो मैं भी कह रहा हूँ, विकी को भूल जाओ, अपने दिल पर मेरा नाम लिख दो। हट जाओ मेरे रास्ते से। मुझे तेज बिल्लियां बहुत ही पसंद है। याद रखना, बॉबी एक बहुत ही खतरनाक चीज है, पछताओगे। इतिहास साक्षी है कि मानव एक संगठनशील प्राणी है जो जीव जंतुओं की भांति अकेला नहीं रह सकता। लेकिन सर, इंसान अकेला क्यों नहीं रह सकता? क्योंकि इंसान की फितरत में अकेलापन नहीं है, एक दूसरे के प्रति स्नेह और प्रेम ही मानवता है। तो फिर दुनिया प्यार करने वालों को बुरा क्यों कहती है? वो इसलिए कि चंद वासना के मारों ने प्यार को बदनाम कर रखा है। प्यार का उद्देश्य अगर बुरा हो तो वो बुरा ही माना जाएगा। क्या नजर जानी। बॉबी, ये कैसा मजाक है? मजाक? कैसा मजाक दिखी? ये तीर किसने फेंका? किसी दिल जले ने। बॉबी, मैं पूछ रहा हूँ, ये किसने फेंका? अरे यार, मैंने तो नहीं फेंका, शायद इसने। तूने फेंका क्या? तेरी। विके, इसे हाथ मत लगाना, ये मेरा आदमी है। ये सारे फसाद की चार तुम हो। विकी, ये मत भूलो कि मैं इस कॉलेज का जीएस हूं और तमीज से बात करो। अबे, तुझे जीएस कहते हैं, मुझे शर्म आती है। शराब, आखिर तुम इतना उछल क्यों रहे हो? ये लगती क्या है तुम्हारी? बताओ क्या लगती है? स्टॉप इट विकी, कूल डाउन। स्टॉप इट, ये क्लासरूम है कि मछली बाजार? लेकिन सर, आपको पता नहीं है, अगर शांत नहीं बैठ सकते तो आप लोग बाहर चले जाइए। हाँ विकी, लेक्चरर सही कह रहे हैं। हाँ विकी, इससे बात करेंगे तो हम लोग भी बदनाम हो जाएंगे। चल, प्रिंसिपल साहब से कंप्लेंट करते हैं। ओह, प्रिंसिपल। चलो। हाँ हाँ, चलो चलो। सर सर सर। विकी, मैंने कितनी बार कहा है, स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम्स लेकर मेरे पास मत आया करो, वो जीएस का काम है। मैडम, अगर कॉलेज का जीएस खुद क्लास को डिस्टर्ब करे तो हम कंप्लेंट किसको करें? क्या बॉबी खुद ऐसा करवाता है? हाँ मैडम, क्लास में बॉबी और उसके साथी मिलकर उधम मचाते हैं, किसी को पढ़ाई नहीं करने देते और कुछ कहो तो मारपीट पर उतराते हैं। मैडम, अगर यही हाल रहा तो बहुत जल्द इस कॉलेज का नाम मिट्टी में मिल जाएगा। विकी, माइंड योर लैंग्वेज। आप मेरी आवाज को दबा नहीं सकती मैडम, क्योंकि मेरी आवाज सारे स्टूडेंट्स की आवाज है। हाँ, हाँ, विकी की आवाज हमारी आवाज है। खामोश। अरे मैडम, हम यहाँ पढ़ने आते हैं और जब यहाँ पढ़ने ही नहीं दिया जाता है तो फिर कॉलेज जाने का क्या फायदा है? ठीक है, मैं आज ही बॉबी को बुलाकर समझाती हूँ। यू मे गो नाउ। थैंक यू मैम। छुटवा के आदमी लोगन को धमकात है। छोटू लाल, ये जमीन सेठ धनराज की जागीर नहीं है, ये बेनामी है। और इस जमीन पर हम बरसों से रहते आए हैं, इसलिए जमीन पर अधिकार सिर्फ हमारा है। ना बबुआ ना, था कहो था। छुटवा का पैर यहां पड़ते ही
वाधिकार खत्म है गवाह। इस मिट्टी की कसम, मैं अपने जीते जी तुझे इस जमीन पर कब्जा नहीं करने दूंगा। न रही बांस न बजेगी बंसरी। वाह 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 छोटू लाल वाह, कमाल कर दिया। मुर्गन को हमारे रास्ते से हटा के दिल खुश कर दिया तुमने हमारा। अरे जिस जमीन को हत्याने के ख्वाब हम बरसों से देख रहे थे तुमने पूरा कर दिया। अरे तोहरे हुकुम की देर है धनराज सेठ, छुटवा तोहरे रास्ते के सारे कांटे हटा दे। अरे वो तो हम भी जानते हैं छोटू लाल, तुम्हारी काबिलियत पे हमें कभी कोई शक नहीं रहा, लेकिन कहना कि हम जरा नाजुक चमड़ी के बने हुए हैं, इसलिए कांटों से उलझ नहीं पाते, तुम्हें ढाल बना के चलते हैं, शाम तक तुम्हें पेमेंट पहुंच जाएगा। अरे पेमेंट की कौन परवाह करी है हुजूर, अरे आप लोगन है तो छुटवा है, पेमेंट आज नहीं कल से ही। क्या बात है छोटू लाल, तुम तो बिल्कुल बिजनेसमैन बनते जा रहे हो। अरे आप लोगन की सोबत का असर है हुजूर। अरे कहाँ चिल्ला थो? तो तुम ही हो छोटू लाल? हाँ हम है छुटवा। का छोटू लाल, मैं तुम्हें वार्निंग देने आया हूँ कि आज के बाद इस शहर में तुम्हारी गुंडागर्दी बिल्कुल नहीं चलेगी। इस शहर में नए लागत हो बबुआ। छुटवा वार्निंग सुनत नहीं दिया था ही। और तुम मुझे नहीं जानते छोटू लाल, मैं जहां कहीं भी जाता हूं मुजरिमों के गले में हड्डी बन के अटक जाता हूं। बबुआ इंस्पेक्टर, कुत्ते के गले में हड्डी फंस सके हैं मगरमच्छ के गले में नहीं। मेरे कई रूप हैं छोटू लाल, वक्त आने पर मैं भाला भी बन जाता हूं जो किसी भी मगरमच्छ को चीर के रख देता है। ए इंस्पेक्टर, तू हमका धमकी दिया था छोटू लाल का? अरे हम चाहे तो खड़े खड़े तोहरी वर्दी उतार करी का नीलाम कराई दे। ये मत समझना कि मैं डर जाऊंगा छोटू लाल। अरे जिस दिन मैंने ये वर्दी पहनी थी ना, उसी दिन मैंने अपने आप के लिए कफन सिलवाया था। और हाँ याद रखना, ये तेरी दहशत का बाजार जो तूने गर्म करके रखा है उसे मैं हमेशा के लिए ठंडा कर जाऊंगा। इंस्पेक्टर, अरे हम भी देखा था कौन की का ठंडा करत है। करण, हाय मामा। जीते रहो। पर बेटे तुम तो सुबह आने वाले थे ना? सुबह आया हूँ माँ, लेकिन आते ही इमरजेंसी में ड्यूटी ज्वाइन करनी पड़ी माँ से मिले बगैर। सॉरी मामा, आई एम वेरी सॉरी। पर आप तो जानती हैं कि मेरा काम ही कुछ ऐसा है, और आप ही ने तो सिखाया है ना, कर्तव्य सबसे पहले। हाँ बेटा। अरे करण, तू अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखता ना, देख क्या हालत बना रखी है अपनी। क्या हुआ मुझे माँ, भला चंगा तो देखो सॉलिड वन पीस। चुप, कहीं किसी की नजर न लग जाए। ओ माँ, जब तक तुम्हारा आशीर्वाद मेरे साथ है मुझे कुछ नहीं होने वाला। करण, मेरा आशीर्वाद तो सदा तेरे साथ है, भगवान मेरी उम्र भी तुझे दे दे। ना ना माँ, अपनी उम्र मुझे मत दो, भगवान करे आप हजारों साल जियो और आपकी ममता का आंचल हमेशा मेरे सर पे रहे। मामा। ए भेलपुरे, चल तैयार तैयार। ए बिजली, अपने खंडोवा के लिए एक फर्स्ट क्लास मस्के में मस्त भाजी बना के रख। अपने विठोबा के लिए डबल मस्का मार के भाजी बना, बहुत भूख लगा है सबको। देता है हवलदार साहब। ये क्या है, शाहरुख खान बनता है तू? तीर निकल के किधर जाएगा? उधर। किधर? रहने दो, दे दे। लो तो। लाओ भाई ला। लाओ भैया लाओ। गरम गरम है यार एकदम, खा नहीं सकता इतना गरम तो। क्यों साहब, कैसा बना? मजा आ गया। क्या टेस्टी बना है यार ये। तूने
ये डबल मस्का जो बोला ना वो क्या है, एक बिजली का मस्का बहुत टेस्टी है। हाँ करंट बहुत जोरदार मारती है। उधर देख तो। क्या भाजी बनाया, नाक में से आंख में से पानी आ गया। मजा आ गया। और लो ना हवलदार साहब, लो। नहीं नहीं बस आज के लिए बस है। अच्छा कल फिर आएंगे ना। आना। चल। अरे ठहर हवलदार साहब, पाव भाजी का पैसा कौन देगा? क्या बोला? पैसा? एक तो सड़ेला पाव भाजी बेचती है, ऊपर से पैसा मांगती है। क्या बोला? बिजली की पाव भाजी को सड़ेला बोला? जो डबल मक्का लगा लगा के घपक घप खाया वो? तो क्या हो गया? अपन तेरे को पिस थाने ले जाता है। अरे रहने दे खंडोबा, रहने दे, लड़की जात है, रात को थाने ले जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा ना रे। हाँ ठीक है ठीक है, कल सुबह तेरे को थाने ले जाएगा, अपना नया साहब आयला है। क्या कर लेगा तेरा नया साहब? आप उन भी सुने तो क्या कर लेगा? बहुत कड़क है, एक बार मारना शुरू करेगा ना तो तेरे को मालूम नहीं है तेरा तो तेरा पाव भाजी बनाकर खा जाएगा। चला चल चल चलिए चलिए। साला धमकी देके जाता है, आप उनका नाम भी बिजली है, तेरे जैसे 56 हवलदार को देखा ला अपन। अरे चलना, क्या लटक मटक चल रहे लिए, चल के अंदर चक्की पीसे की तो सब मालूम पड़ जाएगा। विठोबा खांडोबा से पाव भाजी का पैसा ले रही थी। आज तो आपुन अपने पाव भाजी का पैसा वसूल करके रहेगा देखना तुम। हाँ अरे लॉकअप में बंद करवा दूंगा। क्यों? पाप का राज है। पुलिस को गाली देते, पुलिस को गाली देते। क्या हो रहा है, क्या लफड़ा है सब? पुलिस को गाली देती है साहब। दादा की नहीं करती है, कुछ भी करती है। नहीं कुछ भी करती मतलब? कुछ नहीं करती है साहब। शट अप, क्या बात है? अरे साहब सड़ेली पाव भाजी बेच रहे लिए, कोई खा के मर गया तो? तू भी तो कल वो ही पाव भाजी खा लेता, फिर तू काहे को नहीं मरा? ए अपन लोग पुलिस वाला है, सब कुछ हजम हो जाता है क्या? खंडवा क्या लफड़ा है, इस गवार छोकरी को कहां से पकड़ के लेके आए? ए क्या अपन आपको गवार लगता है साहब? अपन तो बॉम्बे शहर में पैदा हुए। हाँ अच्छा, बम्बई में लोग ऐसे कपड़े कब से पहनने लगे हैं? अरे वाह साहब, आपन तो हर टाइप का कपड़ा पहनता है, फिर आदमी अच्छा कर्मों से होता है, कपड़ों से नहीं। ए, क्या? चल ठीक है भाषण मत दे, इतना आवाज क्यों कर रही तू? क्या करे साहब, आपका ये हवलदार अपन को फुकट में यहाँ पकड़ के लाया और ऊपर से रिश्वत मांगता है, बोलो। विके क्या हो रहा है? ये झूठ बोल रही है साहब। अरे झूठ तो तुम लोग बोलता है। छोकरे क्या चक्कर है तेरा? वो तो अपन बता रहा था साहब, वो बात क्या है, आप उनको जास्ती बोलने का आदत नहीं है, पर आप पूछता है तो अपन बोल ही देता है। आपका ये दो हवलदार कल रात को अपन के ठेले से पाव भाजी खा के खिसक रहला था, अपन पैसा मांगा तो जानता है क्या बोला? क्या बोला? पुलिस वाले से पैसे मांगती है, अपन तेरे को थाने लेके जाएगा। अब आप ही बोलो सब, ये रिश्वत हुई कि नहीं हुई ना? विठोबा विठोबा लड़की को पैसे दे दो और इसे जाने दो। आप तो बहुत भला आदमी निकला, अपन तो समझेला था कि सारा खाकी वर्दी वाला, नहीं सब नहीं, कुछ कोई 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 कोई। ए, तू अपना ठेला कब तक लगाती है? हा? सिर्फ 2 बजे तक साहब। तेरा ठेला इतनी देर तक नहीं लगेगा, आज रात से तेरा ठेला सिर्फ 12 बजे तक, समझी? अच्छा साहब। विठोबा खंडोबा इसके पैसे दे दो। पैसे दे, तू दे दे, नजदीक है। पैसे दे, तू दे देने, तू भी नजदीक है, पैसे दे। जब देखो कड़की में ले, दे दे, ये उधर दे, ये ले तेरे पैसे। बरोबर है क्या? अरे शक हो रहा है तो गिन लेना। जाने दे। अच्छा साहब बाद में मिलना, बाद में। विठोबा खंडोबा आइंदा अगर ऐसी हरकत की तो समझे? हरगिज नहीं साहब, रात का खाना हम आपके घर खाएंगे। क्या बोला? नहीं नहीं, बाजू वाले के घर पे खाएंगे। नहीं नहीं, हम हमारे घर में खाएंगे और आपके लिए भी लाएंगे। छोड़ा कुछ कहा सब कहा, गेट आउट। बाय हाय डैड, डैड डैड, ये किसका इनविटेशन इतना सीरियसली पढ़ा जा रहा है? आज एक सोने की चिड़िया का जन्मदिन है, ये उसका इनविटेशन कार्ड है, बड़ा प्यारा सा नाम है उसका, प्रिया। प्रिया? डैड एक प्रिया तो मेरी भी कॉलेज में पढ़ती है, कहीं ये वही तो नहीं जो देहरादून से आई है? वही, बिल्कुल वही, लेकिन तुमने उसे हासिल करने की कोशिश नहीं की। कोशिश तो बहुत की डैड, लेकिन बात कुछ बनी नहीं। बन जाएगी, बात भी बन जाएगी। जानते हैं लड़की कौन है? कौन? प्रतिमा देवी, करोड़ों की जायदाद की मालकिन, उसकी इकलौती वारिस है ये, पोती है उसकी,
अच्छा, तो इसलिए नखरे दिखा रही थी। अरे कुछ दिनों के लिए नखरे सह लो बेटे, क्योंकि अगर प्रिया से तुम्हारी शादी हो गई तो मालामाल हो जाओगे, जिंदगी भर ऐश करोगे। हाँ वो तो है डैड, लेकिन प्रिया मुझे लिफ्ट तक नहीं देती। बेवकूफ, तुमने फिर अपने तेवर दिखाए होंगे। अरे ऐसी लड़कियों का दिल हीरो के हार या तलवार की धार से नहीं जीता जाता, इनका दिल प्यार से मोहब्बत से जीता जाता है, फिर चाहे वो झूठी क्यों ना हो। डैड, मैं प्रिया का दिल जीतने की 100% कोशिश करूंगा। देखो देखो देखो, कौवा चला है हंस की चाल जरा देखो। हे देखो 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 देखो, कौवा चला है हंस की चाल जरा देखो। इसको सबक सिखाएंगे और ना को चने चबाएंगे। देखो चेहरे से लगता है ताश का गुल्लू बुल्लू। देखो 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 देखो, कौवा चला है हंस की चाल जरा देखो। देखो 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 देखो, कौवा चला है हंस की चाल जरा देखो। देखो देखो
देखो देखो कौवा चल रहा है हंस की चाल जरा देखो ए देखो 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 कौवा जला है हंस की चाल जरा देखो सत्तर अस्सी नब्बे सौ कहां साला अपुन का 200 का कमाई सब करण साहब की वजह से साला भूलता है 12 बजे बंद करो कमाई क्या खाक होगा लेकिन आज अपुन भी बंद नहीं करेगा देखता है क्या कर लेता है क्या बात है जानी आज तो तू एकदम पटाखा लग रही है बाप कॉलेज में अपुन का तेरी तरफ कभी ध्यान नहीं किया क्या ए शक्ति मस्ती नहीं करने का क्या माँ कसम इस ड्रेस में तो तू सचमुच कांच लग रही है साली अच्छा एक बात बता तूने ये ड्रेस पहले क्यों नहीं पहना यार ए शक्ति बोला ना मस्ती नहीं करने का अरे कुछ तो शर्म कर कॉलेज से निकाल देने के बाद भी तेरी मस्ती नहीं गई हां अरे जाके प्रिंसिपल माजी से माफी मांग शायद तुझे कॉलेज में वापस भी ले ले वैसे अगर तुझे शर्म आता है तो आपन को बोल माँ जी आपन का बात बहुत सुनता है शायद तुझे वापस भी ले ले हाँ ए, तो अपन को शांतपति दिखा रही है क्या चल साला हाथ नहीं लगाने का नहीं तो कांदे के माफिक काट देगा आपन का नाम भी पिछली है पिछली अरे अपन से शांतपति दिखा दिया अब देखता हूं तुझे कौन छुड़ाता है कांस्टेबल यस सर इस हरामजादे पर नजर रखना अच्छा डैड 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 बहुत गड़बड़ हो गई डैड आज फिर शक्ति पकड़ा गया शांत बॉबी शांत शांत हो जाओ अशांति घर के बाहर अच्छी लगती है घर के अंदर नहीं हां तो क्या कह रहे थे तुम हो डैड शक्ति लॉकअप में है और तुम उसे छुड़ाना चाहते हो हां छुड़ाना चाहता हूं छूट जाएगा मैं एसीपी को फोन कर देता हूं तुम पुलिस स्टेशन जाके उसकी जमानत कर दो ओके डैड थैंक्स सर ये कल का रिलीज ऑर्डर है हेलो एसीबी गुप्ता हियर यस सर तुम्हारे लोगों में शक्ति नाम का जो लड़का उसे फौरन छोड़ दो सर वो तो अभी अभी देखो अगर मगर कुछ नहीं तुम्हें खास काम के लिए भेजा गया है छोटे मोटे गुंडों को पकड़ने के लिए नहीं सर यही छोटे मोटे गुंडे आगे चलकर छोटू लाल बन जाते हैं ठीक है फिलहाल उसे छोड़ दो और उस पर कड़ी नजर रखो शायद यही तरीका तुम्हें कामयाबी दिला दे ठीक है सर राइट यस सर माथुर यस सर शक्ति को छोड़ दो सर अभी अभी तो आपने उसे लॉकर में बंद किया है जो बोला जाए वो करो माथुर ले आओ उसे ओके सर यस बाबे सेठ धनराज का बेटा शक्ति को लेने आया हूं क्या हुआ एसीबी का फोन आया था ना आया था तो फिर शक्ति कहां है भाभी शक्ति दोस्त क्यों इंस्पेक्टर कैसी रही चलता हूं क्या चल यार भाभी थैंक यू सच में बॉस यार बॉबी अगर आज तू नहीं आता ना तो इंस्पेक्टर अपुन को मार के अपनी हालत पर अरे शक्ति क्या बोल रहे तू यार बॉबी ने कभी तुझे मुश्किल में छोड़ा है क्या हाँ नहीं यार बॉबी लेकिन बॉस अपुन भी बोल देता क्या किसी ने तेरी तरफ आग उठा के देगा ना तो अपन उसकी आंख निकाल के तेरे कदमों के नीचे डाल देगा
माजी, 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 आपन तो लुट गेला है माजी, लुट गेला है। क्या बात है बिजली? माजी, आपन का सब कुछ चल के राख हो गेला है, राख हो गेला है। क्या हुआ बिजली? क्यों रो रही है? माजी, आपन तो बर्बाद हो गेला है। अरे हुआ क्या? कुछ तो बोल। ऐसी ही रोती रहेगी तो मैं क्या समझूंगी? वो आपन का पाव भाजी का ठेला माजी। क्या हुआ ठेले को? ठेले को आग लग गई ना माजी, कुछ भी नहीं रहा। अब अपन कैसे जिएगा माजी? तुम्हें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है बिजली, जब तक चाहो यहाँ रह सकती हो। माजी तू इधर क्या कर रही है? अपन माजी को अपना सैड स्टोरी सुना रहा था। देख, मैं तेरे को बोला था ना, रात को 12 बजे के बाद मेरे को वहाँ ठेला नहीं चाहिए। बोला था कि नहीं? करण, एक तो बिचारी का ठेला जल गया है, ऊपर से तुम उसे डांट रहे हो। अरे माँ, इसको बचाने के लिए कल रात को मैंने मारपीट की है। ठीक है ठीक है, जब तक इसका और कोई बंदोबस्त नहीं हो जाता ये यहीं रहेगी। ये यहाँ रहेगी? तुम पुलिस वाले ना हमेशा अपने दिमाग से सोचा करते हो, कभी दिल से भी तो सोचा करो। मैंने इससे वादा किया है कि ये यहाँ रह सकती है। ठीक है, तुमने वादा कर ही लिया है तो ऑल द बेस्ट। प्लीज टेक केयर, बाय। प्रिंसिपल, कैंटीन में हुई मारपीट में आपने विकी के खिलाफ कोई एक्शन न लेकर ठीक नहीं किया है। धनराज जी, जांच पड़ताल से ये पता चला है कि उस मारपीट का जिम्मेदार खुद आपका बेटा बॉबी है। ये मत भूलिए, बॉबी इस कॉलेज का जीएस है और हमारा बेटा, और हम इस कॉलेज के ट्रस्टी हैं। ये याद दिलाना मैं जरूरी नहीं समझता। इसका मतलब ये नहीं कि बॉबी कॉलेज में अपनी मनमानी करे। उसूल की बात तो ये है कि मुझे बॉबी को उसकी हरकतों पर पुलिस के हवाले कर देना चाहिए था। मैडम प्रिंसिपल, लगता है आपके दिमाग का कोई तार ढीला हो गया है। फिर कभी ऐसी बातें सोचने की जरूरत भी मत करना, वरना हमेशा के लिए इस कुर्सी से हाथ धो बैठेंगी आप। धनराज जी, मुझे अपनी कुर्सी की परवाह नहीं, आपको अपने बेटे बॉबी को समझाना होगा, वरना इस कॉलेज की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। बाहर में जाए कॉलेज, हमारे लिए कॉलेज हमारे बेटे बॉबी से बढ़कर नहीं है। ये बात ठीक से समझ लीजिए आप, वरना आग लगा देंगे इस कॉलेज को। गुड बाय। अरे अरे अरे, ये क्या कर रही हो? आपन गाना सुन रहे था माजी। इसमें कोई गाना वाना नहीं आएगा, रख दो नहीं तो खराब हो जाएगा। वो टेलीफोन की बातचीत जो होती है ना, वो इसमें रिकॉर्ड होती है। ऐसा क्या? आपन तो समझे ला था। बिजली, मैंने तुझे कितनी बार कहा है ये अपन तुपुन मत किया कर। जी माजी, आज से आप फिर वही। बिजली, कहाँ हो तुम? जा देख उसे क्या चाहिए। जी माजी, आपन हम आ रहे हैं जी। कहाँ गई है? क्यों चिल्ला रहे हो? मेरी नेम प्लेट कहाँ है? ये क्या है? एक तो क्या है, जब से तुम इस घर में आई हो एक भी चीज मुझे सही जगह नहीं मिलती। यही तो हमारा कमाल। ठीक है मैं कर लूंगा। इससे पहले कि तुम चिल्लाओ कि जूते कहाँ है, ये रहे आपके जूते। थैंक यू वेरी मच। एक बात बता,
तू बंबई से दिल्ली वाली कब से हो गई? वैसे हमको ऐसी भाषा भी आती है हुजूर, तुहानु केड़ी बोली चंगी लगती है। अच्छा, पंजाबी भी आती है? कुंचम कुंचम। अरे वाह, तेलुगु भी आती है, वेरी गुड। वो बात यह है कि जब अपन पाव भाजी बेचा करता था ना, तो बहुत बोली बोलने वाला लोग आया करता था। आप उन्हें भी थोड़ा बहुत सीख ही लिया। ठीक है चल नीचे जाके नाश्ता बना, मुझे देर हो रही है, समझे? yes, ना सर। जाती है कि नहीं? अरे भाई साहब ठंडा मिलेगा? जी साहब। थैंक्स। क्या गर्मी है यार? हाँ गर्मी है। अच्छा तो तुम हो? नहीं। कारे बहुत चर्बी चढ़ गई है। हाँ बहुत चर्बी चढ़ गई है। नहीं। पुलिस का मुखबिर बना था, बीमा से दुश्मनी? नहीं नहीं। हट। भाग साले भाग। ए पुलिस भागो। ए साले इतने सारे मेरे को क्यों मार दे? पता यार कैसे उसे। इंस्पेक्टर जब तक जनता में सही जागृति नहीं आएगी तब तक ये गुंडागर्दी यूं ही चलती रहेगी। थैंक यू अगेन। चल बे। भीमा नाम है तेरा? कछु नहीं मालूम। बोल इस मारधाड़ में किसका हाथ था? हम कछु नहीं जानत, आप हमका बेकार मारत है। बोल किसका हाथ था? हम कछु नहीं जानत। नहीं मालूम। अभी याद कराता हूं, मैं तेरे मुंह से सच उगलवा के रहूंगा। मालूम है कि तू सब कुछ जानता है। एक कुत्ते सब कुछ सच सच बता दे वरना मैं तेरी हड्डी बस रील कर दूंगा। छोटू लाल, हम छुटुआ बात करत है, हम तोहरे फोन का ही इंतजार करत रही। अरे हमरे भीमा को छोड़ दियो हो का? भीमा ने मुझे सब कुछ बता दिया है कि वो तेरे साथ काम करता है। कल सुबह मैं उसे कोर्ट में पेश करूंगा। बबुआ जानत नहीं, कल और आज के बीच मां एक तो रात भी आवत है। ठीक है, ऑल द बेस्ट। इंस्पेक्टर, हम कहत रहे ना का आज और कल का बीच में एक ठो रात भी आवत है। अरे तू भीमा को कोर्ट में कैसन खड़ा करोगे इंस्पेक्टर? अरे तू तो खुद हमरे कोर्ट में खड़ा है। छोटूलाल, तू जैसे अपराधियों के कोर्ट का सर्वनाश करने के लिए ही हम जैसे इंस्पेक्टर पैदा होते हैं। तू कल सुबह के फैसले का इंतजार करना। तू ऐसा नहीं मानेगा इंस्पेक्टर। अरे ओ बबुआ, ये इंस्पेक्टर का ऐसा खबर लो कि ससुरा कोर्ट में जा ना पाए। Yeah!
आपने यहाँ आने का कष्ट क्यों किया? मुझे बुलवा लिया होता मैं चला आता। बैठे ना, आप खड़े क्यों हैं? बैठे ना भैया बाबू। कैसन हो बबुआ माथुर? बस आपकी कृपा है भैया बाबू। अरे बैठो ना इंस्पेक्टर, काहे खड़े हो? अरे हमरा घर ना ही, तहरा ऑफिस है। आपके सामने भला मैं कैसे बैठ सकता हूँ भैया बाबू? हाँ वह इंस्पेक्टर करन्ना ही जानत है कि वो बारूद के गोले से खेलत है। कहते हैं खून में ज्यादा गर्मी आ जाए तो अक्कल कमजोर हो जाती। ठीक कहत है वकील बाबू। हाँ साहब। दिखाई दियो इंस्पेक्टर बबुआ को हमरे भीमा के जमानत का कागजवा। ये रहे भीमा की जमानत के कागजात। भैया बाबू कागजात देखने की क्या जरूरत है, आपने कह दिया बस। हवलदार सर भीमा को ले आओ। जी सर। शाम को घर पर आ जाए बबुआ माथुर। जो हुकुम भैया बाबू। इंस्पेक्टर करण हमका बहुत मारा भैया बाबू, ई देखा भैया बाबू, लेकिन हम तो हार खिलाफ कछु नहीं बोला। हम जानत है मुन्ना, सब जानत है। ई सब इंस्पेक्टर करण की चाल रही। अब इंस्पेक्टर करण की ऐसन खबर ली है कि ससरा बच ना पावा। गुड। अब कैसा महसूस कर रहे हैं मिस्टर करण? क्वाइट वेल सर। डॉक्टर साहब जी, मुझे यहाँ और कितने दिन रहना पड़ेगा? बस कुछ दिन और, फिर आप घर चले जाएंगे। ओके ओके सर। उठो। तुम अकेले क्यों आई? माँ कहाँ है? माँ ने फोन करके कहा कि उन्हें देर हो जाएगी, इसलिए मैं अकेले आ गई। तुम जाओ। अच्छा नहीं नहीं लेटे रहो। कैसी तबीयत है तुम्हारी? अब ठीक हूँ सर। करण तुमने उन गुंडों के खिलाफ एक्शन लेने से क्यों मना किया जिन्होंने तुम पर कातलाना हमला किया? क्योंकि ये केस मेरे अंडर है सर, मैं खुद इसके बारे में एक्शन लेना चाहूंगा। ऑफ कोर्स अगर आप परमिशन दे दे तो। ओह श्योर, मगर सावधानी से। हाय बेबी, जवाब नहीं, क्या भुदकती हो? हाँ यू स्टूपिड। हाय, गुस्से में तो नोकीली छुरी के माफिक लगती है, दिल चीर के रख दिया, लेकिन इसमें अपुन का कोई मिस्टेक नहीं है। हाँ ये जो दिल है ना, बहुत खराब चीज है, मानते ही नहीं। ए शक्ति जा ना, क्यों तंग कर रहा है? तेरे को कोई काम धंधा नहीं है क्या? ए मोटी, अपुन के बीच में टंगड़ी नहीं अड़ाने का। हाँ वरना तेरे बदन में ये जितनी चर्बी है ना, पूरी पिघला के रख दूंगा। हाँ खैरियत चाहते हो तो फौरन यहाँ से चले जाओ, वरना अच्छा नहीं होगा। हाँ चम्मक छल्लो, जास्ती चक चक नहीं करने का, वरना 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 क्या? हाँ क्या कर लेगा? कुछ नहीं, प्यार से चुम्मा ले लूंगा। यू छोड़ छोड़, लीव मी। विकी विकी, तू तेरी बहन को छेड़ रहा है। कौन? शक्ति। और मारो भैया।
मैडम ये कोमल को छेड़ रहा था, रोज किसी ना किसी लड़की के साथ बदतमीजी करता है, गुंडागर्दी करता है कॉलेज में। शर्म नहीं आती तुम्हें ऐसी नीच हरकत करते हुए? जब तुम्हें इस कॉलेज से रेस्टिकेट कर दिया गया है, क्यों आते हो इधर दंगा मचाते? अगर तुम में जरा सी मान मर्यादा बाकी होती ना तो तुम यहाँ नजर नहीं आते। न जाने तुम्हारी रगों में कौन सा गंदा खून दौड़ रहा है। ए मैडम, जबान संभाल के बात करने का क्या? शट अप, निकल जाओ यहाँ से। आई सी, गेट आउट। शेम ऑन यू। गुड मॉर्निंग करण बेटे। मॉर्निंग मामा। बिजली, ओ बिजली। जी माँ जी, आपने बुलाया? बिजली मैं कॉलेज जा रही हूँ, तुम करण का ध्यान रखना। ये भी कोई कहने की बात है माँ जी, ये तो हमारा फर्ज है। बिजली, इस घर को शायद तेरी जरूरत थी, इसीलिए भगवान ने तुझे यहाँ भेजा है। और मुझे आप जैसी माँ मिल गई। आजकल बहुत बोलने लगी है हाँ? पहले बहुत कम बोलती थी, नहीं मामा? नहीं बोलती थी, मगर ऐसे नहीं। ये सब तो आपका सिखाया हुआ है ना माँ जी। अच्छा अच्छा, चल मैं चलती हूँ। अच्छा बेटे, बाय। बाय मामा। क्या बात है भैया बाबू, आज आप बहुत चिंता में लागत हैं। हमरी चिंता वो पुलिस कमिश्नर है जो हमरे सर का दर्द बन गवा है। शर्मा दर्द? वो कैसे भैया बाबू? वो कमिश्नर, वो है हमरे सर का दर्द, वो है हमरा असली दुश्मन। हमरा डिब्बा गोल करी के उपकरण को हमरे पीछे भेजा। उकरण के बच्चे ने हमरे कितने गोदाम सील करा दिए, कितने धंधे गुल करा दिए। इस शहर में दंगा फसाद करना मुश्किल है गवाह। और इस सब किसके कारण? वो कमिश्नर के कारण। और हमका अभी तक खबर नहीं, हम कौन मरज का दवा है भैया बाबू? हुकुम करा, अभी आपका सर का दर्द मिटाए देते हैं। हुकुम करा। ठीक है तो फैसला कर ही डालो। आज कमिश्नर गांधी बाग में प्रेस मीटिंग एड्रेस करी के जा रहा है। आप चिंता मत करो भैया बाबू, आज वो ससुरा कमिश्नर जिंदा घर वापस ना आए जाए सकत है। आप हमका आशीर्वाद दो। विजयी भाव। राष्ट्र में आतंकवाद फैलता जा रहा है, देश के हर हिस्से में खून खराबा, मार थाड़, चोरी डकैती एक खेल सा बनकर रह गया है। कोई भी दिन दहाड़े आता है, किसी का कत्ल करता है और चला जाता है। इस आतंकवाद को, इस मार थाड़ को, इस चोरी को मिटाने के लिए मेरी जनता से अपील है, पुलिस की पूरी पूरी मदद करें ताकि देश का एक नया इतिहास लिखा जा सके। झुक जाओ,
बबुआ हमरा फायर मिस हुई गवा तब वो इंस्पेक्टर करनवा हमरे सीने में गोली डाल दिए करन हमका माफी दे दो भैया बाबू हम तुमरे सर का दर्द ना आए करन हाय प्रिया हाय मुझसे बात मत करना क्यों तुम नाराज हो आज तुमने फिर देर कर दी मैं तुमसे मिलना नहीं चाहती मैं जा रही हूँ प्रिया प्रिया सुनो तो मुझे कुछ नहीं सुनना है प्रिया प्लीज रुक जाओ नहीं तुम्हें रुकना होगा प्रिया
फासले मिटाने दे, मुझे संभल बचाने दे। तेरे प्यार में सिखा दी गई बातें लो नई नई। तूने ये क्या जादू किया, अरे क्या कर डाला पल में पिया। तू दिल वाली मैं दिल वाला, दिल पे डाका डाला। मेरे दिल में हुई हलचल, तेरे प्यार में हुई मैं पागल। कोई खबर जमाने को छोड़े काम से गई। टुके 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 टुके। क्या तुम मेरी पोती को अपनी बहू बनाना चाहते हो? तुम कोई सपना तो नहीं देख रहे हो धनराज? इसमें सपने की क्या बात है प्रतिमा जी? आप मार्केट में हमारी स्टैंडिंग किसी से पूछ सकती हैं? और फिर हमारे बेटे में क्या खोट है? जमीन पर खड़े रहकर चांद की तरफ दामन फैला देने से चांद दामन में नहीं गिर जाता धनराज। आप हमारा मजाक उड़ा रही है। नहीं धनराज, मैं तुम्हें तुम्हारी औकात बता रही हूँ। अपनी जबान को लगाम दो आंटे, वरना मेरी भी जबान खुल जाएगी। खामोश धनराज, अपने इस बदतमीज लड़के को यहाँ से ले जाओ। मैं तुमको और तुम्हारे इरादों को अच्छी तरह जानती हूँ। नहीं प्रतिमा जी, आपने अभी हमारे इरादों को पूरी तरह नहीं जाना। शायद भगवान के इरादे बदल सकते हैं, लेकिन हमारे इरादे नहीं बदलते। दरबान आया मेम साहब। याद रखना प्रतिमा देवी, ये अपमान आपको बहुत महंगा पड़ेगा। चलो भाभी देख लेंगे। चलता हूँ डैड, जरा इस घमंडी औरत को एक बार अच्छी तरह से देख लूं। भाभी चलो, ये खुद आएगी हमारे दरवाजे पर अपनी पोती को लेकर। आओ। फिकर नॉट बॉबी, प्रिया तेरी छोके रहेगी, विकी का तापुन देख लेगा। शक्ति, विकी का इलाज करना ही होगा। उस साले का तो अपना आज ही हाथ पैर तोड़ देगा, सारी जिंदगी बेड पे पड़ा रहेगा। प्रिया प्रिया प्रिया। शक्ति, विकी का चमचा आ रहा है देख। बेटा स्पून जरा इधर आना। ये स्पून किसको बोला? अरे सांभा, जरा ये तो बताना, ये चांदी का चमचा है या पीतल का? ये तो मिट्टी का चमचा है सरदार। क्यों, विक्की की पिटाई भूल गया तू? अबे विक्की से तू कोई बाजी नहीं जीत सकता, बॉक्सिंग चैंपियनशिप भी तू हार गया और प्रिया भी तेरे हाथ से निकल गई। मार साले को, तेरी तो मार साले को, मार। ये क्या हो रहा है? What is all this? देखिए मैडम, बॉबी और शक्ति ने राजू की क्या हालत कर दी। क्या बॉबी और शक्ति ने तुम्हें मारा है? हाँ मैडम, उन दोनों ने मेरा ये हाल किया है। यकीन नहीं आता। आपको क्यों यकीन होगा, आपकी आंखों में तो बॉबी एक देवता है। क्योंकि वो एक तश्री का बेटा है। और आपके राज में ये कॉलेज अब एक गुंडों का अखाड़ा बन गया है। Shut up, Vicky. No, I will not shut up, madam. बॉबी और उसके साथियों ने कॉलेज में दहशत मचा रखी है। लड़कियों को तंग करते हैं, कभी किसी का हाथ तोड़ते हैं तो कभी किसी का सर फोड़ते हैं। आखिर ये कब तक चलता रहेगा मैडम? आपको अभी और इसी वक्त बॉबी को कॉलेज से रस्टिकेट करना पड़ेगा। तुम मुझे हुक्म दे रहे हो? ये हुक्म नहीं, सारे स्टूडेंट्स की मांग है। मैं फौरन बॉबी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकती। अगर आप बॉबी को फौरन रस्टिकेट नहीं करेंगी तो हम कॉलेज में स्ट्राइक कर देंगे। हाँ हाँ, हम स्ट्राइक कर देंगे। तो ठीक है, कर लो जो जी में आए, लेकिन याद रखो इस स्ट्राइक के जिम्मेदार तुम लोग होंगे। नाउ गेट आउट ऑल ऑफ यू। प्रिंसिपल 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 प्रिंसिपल। विकी कम टू माय ऑफिस। मैंने बॉबी से कह दिया है कि शक्ति अब इस कॉलेज में नहीं आएगा,
और यहाँ कोई गुंडागर्दी नहीं होगी। तुम इस स्ट्राइक को रुकवा दो। सिर्फ इतना कहने से स्टूडेंट्स नहीं मानने वाले मैडम। हाँ, अगर बॉबी राजू से माफी मांग ले तो शायद स्ट्राइक खत्म हो सकती है। माय फुट! देखिए, तुम अपने आप को समझते क्या हो? मैं इस कॉलेज का जीएस हूँ। जीएस जीएस होकर तुमने स्टूडेंट्स की कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी? उल्टा उनकी नाक में दम कर रखा है। आज कोई स्टूडेंट तुम्हारी बात सुनने को तैयार नहीं। इसलिए कि तुम स्टूडेंट्स को मिसलीड करते हो, तुम उन्हें मेरे खिलाफ भड़काते हो क्योंकि तुम जीएस नहीं बन सके। अगर मैं चाहूं तो यू इस स्ट्राइक को खत्म कर सकता हूं, लेकिन मैं बेकार का खून खराबा नहीं चाहता। बॉबी, ये कॉलेज है, कोई जंग का मैदान नहीं। विकी, मैं तुमसे आखिरी बार कह रही हूं कि स्ट्राइक रोक दो। तुम जानते हो कॉलेज की कितनी बदनामी होगी? देखिए मैडम, बदनामी का जिम्मेदार मैं नहीं हूं, लेकिन जब तक स्टूडेंट्स की मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक ये स्ट्राइक खत्म नहीं होगी। अगर तुमने स्ट्राइक खत्म नहीं की तो मैं तुम्हें कॉलेज से रेस्टिकेट कर दूंगी। ठीक है, चलो। अरे ओ मैडम, तैयार हुई कि नहीं? अभी आई। ओ बिजली मैडम, जरा जल्दी करो। लो, हम आ गए। ओ, क्या बात है, आज तो तुम वाकई बिजली लग रही हो। लेकिन कहीं ये बिजली हमारे दिल पे गिराने का इरादा तो नहीं? अच्छा, तो आपके सीने में भी दिल है? क्यों, तुम्हें क्या लगता है? हम पुलिस वाले इंसान नहीं होते? होते हैं, पर जरा रूखे सूखे होते हैं। ओ माँ जी। हाँ? अरे माँ। सर क्या हुआ? राजेश तुम यहाँ? सर मैडम को छोड़ने आया था। क्या हुआ माँ? कॉलेज में स्ट्राइक चल रही है ना, आज टेंशन इतना बढ़ गया कि मुझे पुलिस प्रोटेक्शन लेना पड़ा। ठीक है राजेश, तुम जाओ। ओके सर। क्या बात है माँ, ये स्ट्राइक क्यों हो गई? वो जो विकी है ना, खुद लीडर बनने के चक्कर में सारे स्टूडेंट्स को मिसलीड कर रहा है। खैर, तुम लोग पार्टी में जा रहे हो ना? जी माँ। जाओ, लेकिन घर जल्दी वापस आना। ओके, बाय। टेक केयर मामा। बाय बाय। माजी इंतजार कर रही है। अच्छा, तुमने उसे अच्छा उल्लू बनाया। ओके। ये दरवाजा क्यों खोला है? माजी। माँ। ये क्या गजब हो गया माजी? आपको पाके हमें लगा था कि हम अनाथ को माँ मिल गए, मगर आज आज हम फिर अनाथ हो गए, हम फिर अनाथ हो गए। सर,
सर क्या मैं कार्रवाई शुरू कर सकता हूं? प्रोसीड। चलिए। राजेश। यस सर। सर ये कार्ड मिला है। क्या हो गया तुम्हें करण? मेरी माँ को मारा। करण पागल मत बनो। तुमने मेरी माँ को मारा भी क्या? करण! अरेस्टर! क्या किया? नहीं करण, मैंने नहीं मारा। चलो, चलो, चलो! तूने प्रिंसिपल रजनी भार्गव का खून क्यों किया? बताओ! नहीं, मैंने कोई खून नहीं किया। यह आई कार्ड मैडम की लाश के पास कैसे पहुंचा? मुझे नहीं मालूम। ये देख तेरे फिंगरप्रिंट्स। ये इस बात का सबूत है कि तू वहां आया था। हाँ, मैं वहां आया था, मगर मैंने कमीने, तूने मेरी मां का खून किया। करण, मैंने प्रिंसिपल को नहीं मारा। जब मैं वहां पहुंचा वो पहले से ही मर चुकी थी, इसलिए मैं घबरा कर भागा वहां से। झूठ झूठ बोलता है तू। राजेश। हेलो मैडम, मैं विकी बोल रहा हूँ। मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती। नहीं मैडम, फोन मत रखिए। मैं अभी और इसी वक्त आपसे मिलना चाहता हूँ। आपके और मेरे बीच में जो टेंशन चल रहा है, आज मैं उसे हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहता हूँ। हाँ, मैंने मैडम को फोन किया था। क्यों, किस लिए फोन किया था तूने? इसलिए क्योंकि मैं स्ट्राइक के टेंशन को खत्म करना चाहता था। करण, मेरी बात पर यकीन करो। करण, मैं कातिल नहीं, निर्दोष हूं। करण, राजेश, इसके पेपर तैयार करो। कल सुबह कोर्ट में इसे रिमांड के लिए ले जाना है। करण, मेरी बात सुनो। करण, शट अप। करण, मेरी बात सुनो, मैं कातिल नहीं हूं। करण, करण, रुको रुको। Okay!
रुक जाओ रुक जाओ। अरे प्रिया, सोई नहीं अभी तक? नहीं दादी माँ, नींद नहीं आ रही है। रात बहुत हो चुकी है, सो जा। ठीक है, कैसे सो जाऊं? आंखों में नींद ही नहीं, ना जाने विकी किस हाल में होगा। प्रिया, विकी, I love you। मैं तुम्हारे लिए कितनी बेचैन थी। तुम ठीक तो हो? हाँ प्रिया, मैं ठीक हूँ, लेकिन मुझे गलत मत समझना। मैंने प्रिंसिपल का खून नहीं किया प्रिया। मुझे यकीन है विकी, तुम बेगुनाह हो। प्रिया, अब मेरे घर में कातिल बदमाश भी आने लगे? विकी कातिल नहीं है दादी माँ। कातिल नहीं है तो पुलिस से क्यों भाग आया? देखिए, मुझे अपनी बेगुनाही का सबूत हासिल करना है। प्रिया, इसे कहो फौरन यहाँ से चला जाए। मैं विकी को फांसी पर चढ़ने के लिए नहीं कह सकती दादी माँ। मैं विकी से प्यार करती हूँ। जवानी की चांदनी में तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है प्रिया। प्यार बर्फ के फूल की तरह होता है, जिस जमाने की धूप लगते ही पिघल जाता है। हमारा प्यार कोई बर्फ नहीं जो पिघल जाए। हमारा प्यार तो वो तूफान है जो रास्ते में आने वाले हर दीवार को गिरा दे। बेवकूफ लड़के, जानते हो तुम किससे बात कर रहे हो? हाँ जानता हूँ, मैं उस मगरूर औरत से बात कर रहा हूँ जो प्यार को एक धोखा समझती है। खामोश। दादी माँ, तुमने है थप्पड़ मारा इस घर के होने वाले दामाद को? चुप बेहया, पागल लड़के, फौरन दफा हो जाए यहाँ से, वरना पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा। ठीक है, जाता हूँ, मगर याद रखिए प्रतिमा देवी कि प्रिया मेरी अमानत है, और जिस दिन मुझे अपनी बेगुनाही का सबूत मिल जाएगा मैं इसे जरूर लेने आऊंगा। विकी, तुमने अच्छा नहीं किया दादी माँ, अच्छा नहीं किया। विकी ने पुलिस की हिरासत से भागकर बहुत बड़ी गलती की है। नहीं नहीं वकील साहब, मेरा भाई खूनी नहीं है, वो कभी किसी का खून नहीं कर सकता। अगर तुम्हारा भाई बेगुनाह है तो बेशक मैं उसे बचाने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। इसी के सहारे मैं पूरे बल और विश्वास के साथ आपके पास आई हूँ। घबराओ नहीं, सब ठीक हो जाएगा। नमस्ते। नमस्ते। नहीं नहीं नहीं, शक्ति मुझे जाने दो, प्लीज मुझे जाने दो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे जाने दो। अरे अरे, ये तो रोने लगी, रोने लगी है तो। अरे कैसे गिड़गिड़ा रही बेचारी। हा? अरे मैं इस पे इतना जुल्म क्यों कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ मैं इस पे इतना जुल्म? याद आया, पकड़ो उसको। Thank you.
नहीं। बिटिया रानी, ये दिन देखने से पहले मैं मौत क्यों ना आ गई? जिन हाथों से तुम्हें डोली में बिठा के भेजना था, उन्हीं हाथों से तुम्हारी अर्थी उठा के ले आए। अरे हाथ टूट क्यों ना गए, टूट क्यों ना गए? पंडित जी, पिता को आग दीजिए। रुक जाओ पंडित। विक्की बाबा, ये किसी लावारिस की लाश नहीं, इस अबला की चिता में आग लगाने के लिए उसका भाई अभी भी जिंदा है। विक्की, कानून से तुम ज्यादा दिनों तक बच नहीं पाओगे। हाँ, इस चिता को आग देने की इजाजत मैं तुम्हें जरूर दूंगा, लेकिन सबसे पहले उस मासूम बच्चे को मेरे हवाले कर दो। लाओ। नहीं, कोई भी मेरे करीब मत आना, मेरे सीने में बॉम्ब लगे हैं। अगर किसी ने मेरे पास आने की कोशिश की तो मेरे साथ साथ इस बच्चे की भी जान चले जाएगी। विक्की, तुम जो ये कानून से खेल रहे हो बहुत पछताओगे। राजू, आगे मत बढ़ना। मेरा बच्चा राजू, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा राजू। मेरे पीछे आने की कोशिश मत करना, वरना मेरे साथ साथ इस बच्चे के भी टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। साहब, इंस्पेक्टर साहब, मेरे बच्चे को बचा लीजिए। इंस्पेक्टर साहब, मेरे बच्चे को बचा लीजिए। आप घबराइए मत माँ जी, आपका बच्चा आपको जरूर मिल जाएगा। कम ऑन। बेटे, मुझे माफ कर देना, तेरी जान मैं कभी नहीं लेता। ये बॉम्ब भी नकली है, चलता हूं। तुझे कसम है इस खून की कि आज या तो तू इसे उन पापियों के हाथ बहने दे, या मुझे इतनी शक्ति दे कि मैं उन सब का सर्वनाश कर सकूं। अगर मेरा प्यार सच्चा है तो विक्की के खून की यह लाली जो आज मेरे मांग का सिंदूर बन चुकी है कभी फीकी नहीं पड़ेगी, और अगर मेरा प्यार और तेरी शक्ति विक्की के लिए विजयपत नहीं बन सकती, तो मैं आज तेरे सामने कसम खाती हूं कि एक चिता में दो दो लाशें जलेगी, और अगर मैं विक्की की जीत में हिस्सेदार बन सकती हूं तो उसकी मौत में भी भागीदार हूं। आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बता, मेरी बहन का खून किसने किया? अपनों को कुछ नहीं मालूम, छोड़ दे, छोड़ दे। इससे पहले कि मैं तेरे गर्दन को तेरे जिस्म से अलग कर दूं,
बता मेरी बहन का खून किसने किया, बता। हाँ, हाँ, अपुन ने खेला है, कोमल का खून अपुन ने खेला है, अपुन ने खेला है। नहीं, हट जाओ इंस्पेक्टर। और मुझे यकीन है कि इसके हाथ मैडम के खून से भी रंगे हैं। इसने मैडम का खून अपुन ने नहीं खेला इंस्पेक्टर, इसने खेला है। मुझे फंसाने के लिए इसने सब कुछ किया। ठीक है, ये सब पता चल जाएगा, लेकिन विकी अभी तुम्हें भी मेरे साथ चलना पड़ेगा। मुझे? लेकिन मैं क्यों चलूं, मेरे तो कोई खून नहीं किया। विकी, इसका फैसला कानून करेगा। चल बे। कान बास्केट, कान। राजेश कुछ बोला? नहीं सर, कुछ नहीं बोला। कुछ बोलेगा? नहीं। बोल प्रिंसिपल रजनी भार्गव का खून किसने किया? बोल वरना बहुत बुरा होगा। बोल दे। ये सर, ये जानवर ऐसे नहीं बोलेगा। पांडे, ये ऐसी चीज है तो क्या इससे अच्छे अच्छे बोलने लगते हैं? नहीं सर, नहीं सर। मैडम का खून आपने खेला है। तूने मेरी माँ को मारा। पता तूने ये सब क्यों किया? ये सब अपुन ने भैया बाबू के कहने पे किया है इंस्पेक्टर। भैया बाबू? ये भैया बाबू कौन है? छोटूलाल, छोटूलाल को अपुन लोग सब भैया बाबू बोलते हैं। छोटूलाल? लेकिन ये सब तूने किया क्यों? उस दिन हमें विकी को रास्ते से हटाना है। काहे? ताकि प्रतिमा देवी की पोती प्रिया हमारे घर की बहू बन जाए और उसकी करोड़ों की जायदाद हमारी हो जाए। लेकिन प्रिया विकी से प्यार करती है। तो ये बात है, दौलत और जायदाद तो तुहार मिल जाए पर हमका का मिली। जो तुम चाहो। तू तो हमका मित्र है धनराज, हम ना ना ही कर सकते हैं। ई वही विकी है ना जो तुहार कॉलेज में पढ़ते? जी हाँ वही। जिसका करण की माँ प्रिंसिपल रजनी भार्गव के साथ स्ट्राइक का पंगा चल रही। बिल्कुल, आप तो पूरी कुंडली जानते हैं उसकी। इफ समझ लो कि तुहार काम हुई गवा। बबुआ शक्ति। यस भैया बाबू। सीधा जाय के प्रिंसिपल की बत्ती गुल कर दई। अपुन भी यज करने को मांगता था भैया बाबू, अब आपने कह दिया तो समझो अपुन ने कर दिया। लेकिन हम प्रिंसिपल को नहीं विकी को रास्ते से हटाना चाहते हैं। हाँ छोटूलाल, प्रिंसिपल को मार के हमारा क्या फायदा होगा? अरे हम तो फायदे की ही बात करते रहे धनराज, लेकिन हमरे स्टाइल से
झट से गोली चले और पट से कोई मर जाए, हमका मजा नहीं आवत है। अब सुनो, हमरी खोपड़ी में का है, तुमको विकी को रास्ते से हटाना है, हमको करण से बदला लेना है, और शक्ति को प्रिंसिपल से बेइज्जती का हिसाब चुकाना है। कॉलेज में स्ट्राइक चलत है, लोहा गरम है, अब अगर शक्ति प्रिंसिपल को मारेगा तो बबुआ करण को लगेगा कि उसकी मां को विकी ने मारा है। वाह, क्या बात है छोटूलाल, तुम्हारी खोपड़ी किसी शैतान की खोपड़ी से कम नहीं। हाँ, हम वही कहत रहे, विकी को फांसी हो जाए, बॉबी को प्रिया मिल जाए, और हमका करण से हिसाब बराबर हो जाए। को फंसा दिया। ओह माय गॉड, आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें गलत समझा। कोई बात नहीं, क्या मैं जा सकता हूं? नहीं, जब तक कानूनी कार्रवाई पूरी नहीं हो जाती मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। सर, अभी भी फोन आया है कि बॉबी ने प्रिया और उसकी दादी माँ को किडनैप कर लिया है। शिट, करण, ऐसी हालत में तुम मुझे लॉकअप में बंद करके एक और गलती कर रहे हो। करण प्लीज, वो लोग प्रिया के साथ कुछ भी कर सकते हैं, प्लीज करण समझने की कोशिश करो। ठीक है, मैं तुम्हें अपनी जिम्मेदारी पे ले जाऊंगा, कम ऑन। बहुत खुश है इंस्पेक्टर माथुर। भैया बाबू, हम तो आपके सेवक हैं, बस हुकुम करते जाइए। अरे तू जानत नहीं है इंस्पेक्टर माथुर, ये चिकनी चिड़िया मां इंस्पेक्टर करण का जान छुपी है। चल, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो। वेलकम प्रतिमा देवी, वेलकम। धनराज को कुत्ते की तरह जलील करके अपने घर से निकाला था ना तूने? अब धनराज का कमाल देखना तू, बांध दो इस बुढ़िया को। दादी माँ, छोड़ दो, दादी माँ। हमने कहा था ना हमारा अपमान तुझे बहुत महंगा पड़ेगा, आज तेरी आंखों के सामने तेरी पोती हमारे घर की बहू बनेगी और तेरी सारी दौलत हमारी होगी। सपने हकीकत में नहीं बदलते धनराज। ना बुढ़िया ना, तू जानत नहीं बुढ़िया, छुटुआ जिसके सर पर हाथ रख दई है ना, उके सारे सपने पूरे हो जावत है। तू कोई भगवान नहीं है जो अनहोनी को होनी में बदल दे। ए बुढ़िया, अरे तू छुटुआ को चैलेंज करत है? अरे क्या सोचत है बॉबी, बिठाई दे इस कबूतरे को लगन मंडप मा। नहीं, मैं ये शादी हरगिज नहीं करूंगी। अरे कैसा ना ही करत है लड़की तू शादी। अरे कहा है देखा था ही? मार दे इस बुढ़िया को। नहीं, बहुत बदल गया दादी माँ को। ए, बहुत हो गया है, रोती रहेगी तो सुहाग रात कैसे मनाएगी? अरे नहीं बॉबी नहीं, लगन मंडप पे गुस्सा नहीं दिखाते बेटे, इसे शादी का प्रसाद समझ के चाट जाओ। क्या, एक बार शादी हो जाने दो फिर अपने तेवर दिखाना तो। ए छोकरी, बैठो तो के उड़ाई दे बुढ़िया का भेजा, हम तीन तक गिना थे। ए, दोई, ती, हाँ, मुझे मंजूर है। पंडित, हाँ जजमान, शुरू हो जा। हाँ शुरू होता हूँ। ओम मंगलम।
एक करके डाल रहा है, पूरा डाल देना साथ में। अबे जल्दी कर, जल्दी कर, जल्दी कर, जल्दी करना पंडित। चलो उधर, नहीं नहीं इधर खोल, अरे खोल 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 खोल। खंडोबा विठोबा बिजली लग गई, लग गई, खोलो। कभी हमको घर पे बुला के प्रमोशन की बात जरूर, खोलो क्या खोलो, खोल बातें करता रहेगा। भाभी जी फंसी हुई है, भाभी जी वो प्रमोशन की बात, भाभी जी तू हंसता क्यों रहता है बार बार? तो फंसता नहीं है कोई बार बार। अरे तू चलना फंसाते, ये तो साफ है। हाँ। ये तो पुलिस के नाम पे डब्बा है, डब्बा है? हाँ। तो इसे भी डब्बा दे देते हैं। हाँ, दे 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 दे। अरे यार तू बार बार हंसता क्यों रहता है? तो कोई फंसता नहीं है ना। हाँ तू चलना फंस। भाग जा साले को। गिरफ्तार करो इन सबको, पकड़ लो। अरे सर, कानून को अपने हाथ में मत लो, इस कमबख्त को कानून सजा देगा। चलो चलो, बैठ जाओ गाड़ी में, चलो। प्रिया
दादी माँ। मैंने तुम्हें समझने में बहुत गलती कर दी बेटे, ये लो आज से प्रिया तुम्हारी हुई। जीते रहो।